टीवी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। बेटमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चलते ट्रकों पर कटिंग करने वाले कंजर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि बेटमा क्षेत्र में ट्रक कटिंग करने वाला कंजर गिरोह एक सदस्य ट्रक कटिंग का माल बेचने के लिए दुकानदारों के या भाव तलाश करते हुए सागौर कुटी रोड बेटमा से मुखबिर द्वारा सूचना पर बताए गए जगह पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नाम अखिलेश पिता गुड्डा उर्फ अनिल जाति कंजर, उम्र 20 साल, निवासी टोंक कला देवास बताया। पता चला आरोपी के पास से कपूर के 3 कार्टून व आलू के चिप्स, 4 बोरे चॉकलेट के 2 कार्टून किशमिश, करीबन 1,30,000 रुपये का माल जब्त किया गया। बेटमा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, और भी खुलासे हो सकते हैं। 10/2018 को ASI अजीत सिंह पवार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक कलाली के पास एक संदिग्ध व्यक्ति चॉकलेट और कपूर के कुछ कार्टून के दो सस्ते दामों में बेचने की बात कर रहा है। इस सूचना पर तुरंत थाना प्रभारी द्वारा एक टीम गठित की गई और तुरंत मौके पर जाकर दबिश दी गई, और तो वहां पर एक कंजर गिरोह का अखिलेश नामक व्यक्ति मिला, जिसे पकड़कर थाने पर लाया और हिकमत दंगली से पूछताछ करते तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व यहाँ पर अब मोतला फाटे के इधर ट्रक कटिंग की थी, उसी में से कपूर के करीबन वहाँ कटिंग ट्रक कटिंग करके चोरी करना बताया। इसमें से हिकमत अमली पूछताछ करते 3 कार्टून अपने कपूर के और 2 कार्टून चॉकलेट के और 4 बोरे चिप्स के इससे बरामद हुए, और इसके इस गिरोह के कुछ साथी इसके जो अभी पकड़ में नहीं है, पुलिस गिरफ्त से फरार है। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।